नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले हम, जैसे कि आप सभी को पता है, एसटेट का आज पेपर हुआ है जो पीआरटी वाला है, जेबीटी वाला। तो उसका हमने जो कॉमन पार्ट है मैथ रीजनिंग का, वो डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत, लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसमें ईवीएस, जो कि आपका इंपॉर्टेंट भी रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कोश के प्रक्रम में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है। जो भी ऊर्जा होती है वह हमारी एटीपी की फॉर्म में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है? तो सिलिकॉन धातु का उपयोग हम सोलर सेल बनाने में करते हैं, तो इसका भी डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला रहने वाला है, सुनहरा रेशा किससे अभिप्राय है? तो पटसन से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, डाउन सो डे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु ध्रुव अवस्था में पाई जाती है? तो जो ब्रोमीन है वह पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर है, जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रभावित करते हैं? क्लोरीन करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है, तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो के अंतर्गत होता है, तो राइट आंसर क्या है? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा, जो सूचना प्रौद्योगिक है वह जाना जाता है, तो ओनली बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ओनली बी आएगा भाई, सी जो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जैव निम्नकरणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, घास, पुष्प और चमड़ा ये भी है, घास, काष्ठ और कांच ये भी है, फलों के छिलके, केक और नींबू रस ये भी है। तो इस प्रकार से हमारा ए बी सी हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हमको मिलान करने हैं, तो इसमें जो जल संरक्षण विधि है राजस्थान की खड़ीन होती है, तो जिस ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा उसी में हम क्या है मिलान कर देंगे। ठीक है भाई, तो इसका मेरे को राजस्थान का पता है, तो जिस ऑप्शन में आपको ये लगे तो आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो हमने जो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो भाई CO2 हो गया, जैसे कि ये 9 से 26% होता है, CH4 9 4 से 9% होता है, तो इस प्रकार से जो हमारा बी जो इसका राइट आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नई प्रजातियां बन जाती हैं यदि, तो नई प्रजातियां कब बन जाती हैं? तो इसका क्या है, ये तीनों युग्म जो हमारे ठीक हैं, तो ए बी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए बी सी जो है इसका राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो रोका बोला जाता है ब्राजील के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि को, तो इसका रोका हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम यूरेनियम का करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भाई। इसमें मेरे को डाउट है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, 138 का जो सही विकल्प है, तो इसको मैं डाउट वाले को यहीं पर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है, कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? तो श्वसन जो है ये नहीं है, तो सी जो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेंस की SI यूनिट क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से क्या बनता है? ह्यूमस बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, कि जो कोशिका, कौन सा कोशिकांग स्वयं का डीएनए रखता है? तो ये माइकोकॉन्ड्रिया रखता है, तो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य घटक, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमने मिलान करना है, CFC किसे संबंधित होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हरितगृह से संबंधित होता है,
तो जिसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा वही हो जाएगा, तो पहला ही जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल परजीवी का उदाहरण होता है, तो बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? तो केचुए के द्वारा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है? तो थायरोक्सिन के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस जीवाणु होता है, वायरस के द्वारा होता है, तो ये डी हो जाएगा इसका भाई। फिर है, एफआई क्रैथ दुबैया प्रजाति किसकी होती है? ये सांप की होती है, तो ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपके ईवीएस के क्वेश्चन करवाए हैं इसमें से। हालांकि हाँ, ये हो सकता है अगर एक दो रेयर चांस में एक दो गलत हो सकता है, अन्यथा गलत नहीं मिलेगा आपको। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कोई लगता है तो आप नीचे बता सकते हैं, अन्यथा मैंने अपनी तरफ से आपके क्या है ठीक ही करवाए। धन्यवाद भाई।